हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने आए हैं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। इसके लिए हमें चाहिए नारियल, सूखा नारियल, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और ये 4 टेबलस्पून है। ये आधा कप सूजी है और ये मीडियम साइज़ का सूजी है। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून बादाम लिया हुआ है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पर ये मगज के बीज हैं, इसे वाटरमेलन सीड भी बोलते हैं, और ये हमारे गुजिया में बहुत अच्छा ही स्वाद देगा और बहुत हेल्दी भी होता है, तो ये हमें डालना भी चाहिए। यहाँ पे ये काजू है, ये भी मैंने 4 टेबलस्पून लिया हुआ है। ये किशमिश है, ये भी 4 टेबलस्पून है। आप चाहें तो इसको ऐसे खड़े खड़े भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये चॉप कर लिया है तो मैं इसको यहाँ पर चॉप करके इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खड़ा खड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमको चाहिए 1/2 किलो मैदा। ये आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1/2 किलो मैदा लिया हुआ है। भी चाहिए ये मावा, ये घर का बना हुआ मावा है, यह 1/2 किलो है और इसको मैंने घर में बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। और घर का बना हुआ मावा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनती है, मार्केट से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनती है। तो चलिए हम अब बाकी सारे मसालों की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर सूजी रोस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सूजी डाल दिया है हमारा और इसको स्लो गैस पर हम इसको रोस्ट करेंगे। बस इसका थोड़ा मॉइस्चर निकल जाए, थोड़ी सी नमी इसकी निकल जाए तो बस ये हमारा हो जाएगा। सूजी भी ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप डालिएगा, इच्छा नहीं हो तो मत डालिएगा। लेकिन ये है कि सूजी डालने से थोड़ा उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और खाली खोआ खोआ का टेस्ट नहीं आता है, तो ये थोड़ा और अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, करीब 5 मिनट भुनने के बाद ये थोड़ा सा सुनहरा हो चुका है। अब इसी समय हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए, मैंने सूजी को इस बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे और इस बोल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। सारे को भून भून के हम इसमें निकालते जाएंगे और फिर इकट्ठा इसी बोल में हम इसको मिक्सचर को मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसमें मगज के बीज डाले हैं और इसको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और इसको भी रोस्ट करके मैं उस बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से सिर्फ 3 या 4 सेकेंड लगता है। अब हम इसमें ग्रेटेड नारियल डाल देंगे, जो हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया था। इसको भी बिल्कुल हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है वरना ये जल जाएगा। बस इसका मॉइस्चर थोड़ा सा निकल जाए और इसको भी हम उसी में बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, इसे बस ऐसा करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो ये जला हुआ सा टेस्ट आएगा। अब हमने इसी पैन में बादाम भी डाल दिया है और काजू भी डाल दिया है, दोनों को हम हल्का सा रोस्ट कर देंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। अब हम गैस बंद करके इस किशमिश को भी हल्का सा पका लेंगे, क्योंकि हमने सारा कुछ ही रोस्ट किया हुआ है तो इसे भी हल्का सा गर्म कर लेंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से आप बनाते हैं और 1 महीना भी अगर आप गुजिया रखते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसी में मैं घर का बना हुआ है, इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, आपको शुगर फ्री वाला नहीं चाहिए तो आप इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मेज़रमेंट का लेकर के और चीनी का पाउडर बना लिया है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको 2 कप पाउडर चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। जब ये सा हो जाएगा, लिक्विडी टेक्सचर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो इसलिए इसको अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। दोस्तों, ज़्यादा मावा वाला पसंद है तब तो आप ऐसे ही रखिए, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मावा वाला पसंद नहीं है तो आप इसमें 1/4 कप सूजी और ऐड कर सकते हैं। इससे ये थोड़ा सा ड्राई टेक्सचर हो जाएगा और हम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे शुगर फ्री भी बनाना है, तो मैंने आधा इसमें से आधा मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें मैंने शुगर फ्री पाउडर ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में शुगर फ्री ऐड करके आप शुगर फ्री गुजिया बना सकते हैं, अगर कोई शुगर वाला नहीं खाना चाहता है तो। तो चलिए अब हम इसको गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, मैंने मैदा यहाँ पे छन्नी से छान करके ले लिया है, क्योंकि ये बाजार का मैदा है तो इसको छानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें कीड़े वीड़े होने के डर रहते हैं, तो इसलिए इसको आप भी छान लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने 1/2 कप देसी घी लिया है, इसको भी हम ऐसे ही डाल देंगे। इसको हम मेल्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम मेल्ट कर देंगे तो ये थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको ऐसे जमा हुआ ही लेंगे। और इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। बेसिकली हमको इसे इसमें मोइन देना है। मोइन देने से क्या होगा कि हमारी जो गुजिया है ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी, बहुत ही अच्छा बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा, तो इसलिए हमको इसमें मोइन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसको हम ऐसे हथेलियों के बीच में ऐसे रख करके ऐसे अच्छे से इसको मसल लेंगे, ताकि ये जो घी है हमारा
क्योंकि ये लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा जमा हुआ है, तो इसको अच्छे से स्प्रेड होने में टाइम लगता है। तो इसे हम कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा घी इस आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम इसके लिए हल्का गुनगुना लेंगे क्योंकि हमने देसी घी डाला है, तो इसलिए इसके लिए हमको हल्का गुनगुना पानी चाहिए, बिल्कुल आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके, बिल्कुल सिम गर्म जिसको कहते हैं उतना। ज़्यादा गर्म पानी मत लीजिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा आपका आटा। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसको कैसे पहचाने कि हमारा आटा रेडी हो गया है, तो आप इसको ऐसे मुट्ठी में बंद करके देखिए। ये देखिए अगर ये टूटता नहीं, डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालना है इकट्ठा, आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका आटा गीला हो जाएगा। ये देखिए हमारा आटा ये बन करके अब तैयार है, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा पानी डाल करके इसको गूंथते जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने पानी की ज़रूरत है। और हमारा आटा ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, हल्का हल्का जैसे आप इसको ऐसे प्रेस करें तो हल्का सा अंदर से ये वाइट सा दिखना चाहिए। ये देखिए हम प्रेस ऐसे मार लेंगे एक बार, इसको अच्छे से दोबारा से मार लेंगे, और मारने के बाद फिर हम इसकी लोइयां बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने इसको अच्छे से मार लिया है, ये अब हमारा आटा पूरी तरह से रेडी है। और गुजिया बनाने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा पानी चाहिए क्योंकि हम उसके आउटर लाइन पर लगाएंगे उसको सील करने के लिए। और ये ऐसा मोल्ड मिलता है गुजिया बनाने के लिए मार्केट में, आप चाहें तो ऐसा मार्केट से ले सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो मैं आपको हाथ से भी बना करके दिखाऊंगी। ये देखिए हम सारे आटे के ऐसे लोइयां बना लेंगे, और लोइयां बना करके इसको हम ऐसे एक बराबर कट कर लेंगे ताकि हमको गुजिया बनाना इजी रहे, क्योंकि बार बार आप उसको लोई काटेंगे बेलेंगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे इसको इक्वली डिवाइड करके और फिर इसको ऐसे बेल करके हम इसके ऐसे पेड़े बना बना करके रखे हैं, और हम इसको बिना ऑयल और बिना मैदा लगाए हम इसको पूरी के जैसे ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, जैसे हम पूरी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलना है, और घुमाते घुमाते इसको चारों तरफ से घुमाते और बेलते जाएंगे घुमाते। और इस तरीके से हम खोआ, ये देखिए ये इतना खोआ मैंने लिया है, ये मैं इसमें भर दूंगी, आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बस ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ये मेल्ट होगा तो ये इसका मतलब जो एरिया है वो कहीं कम ना पड़ जाए। और इसके बाद हम इसके आउटर कवर पे ये पानी का ऐसे लगा देंगे ताकि ये सील हो जाए, और जब हम इसको डीप फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अब ये देखिए इसको, अब ये देखिए ये हमने यहाँ पे ऐसे भर दिया है, अब इसको हम इस ऐसे करके दबाएंगे, ऐसे अच्छे से प्रेस करेंगे इसको सारे एजेस पे, सारे किनारे पे अच्छे से प्रेस करके ये जो एक्स्ट्रा वाला आटा है इसे हम ऐसे निकाल देंगे, ये देखिए, और इसको आराम से ऐसे खोल देंगे। ये देखिए हमारा गुजिया कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया है, ये देखिए, और इसमें स्टफिंग भी काफ़ी भरी हुई है। तो इसी तरीके से हम सारा गुजिया बना लेंगे, और जैसे हम गुजिया बनाते जाएंगे, ये देखिए जैसे हम ये गुजिया बनाते जा रहे हैं तो इसको ये सूखे नहीं, इसके लिए हम इसको ऐसे गीले कपड़े से, गीले किचन टॉवल से, इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, इसको गीला करके आप निचोड़ लीजिए और उसके बाद इसको ऐसे ढक दीजिए। इसी तरीके से आप सारे गुजिया बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी गुजिया बनकर रेडी है अब ये, और ये मैंने अभी चीनी वाला बनाया है, और अब मैं यहाँ पर ये शुगर फ्री वाला बनाऊँगी। तो इसको मैं हाथ से बनाऊँगी, इसको मैं सांचे से नहीं बनाऊँगी। तो इसके अंदर हम ऐसे ही फिलिंग स्टफ़ कर देंगे, ऐसे डाल देंगे, और फिर हम किनारे भी इसके भी ऐसे ही पानी लगा देंगे चारों तरफ से ताकि अच्छी तरीके से सील हो जाए और ये बिल्कुल भी फटे नहीं। इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और साइड से इसको ऐसे करके प्रेस करके दबा देंगे, और फिर इसको हम ऐसे करके मोड़ते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ऐसे बहुत ही आसान है, बस ऐसे फटाफट फटाफट ऐसे मोड़ते जाएंगे। तो ये मुझे सिंबल भी रहेगा, मुझे पता रहेगा कि हाँ ये शुगर फ्री वाला जो हैंडमेड है वो शुगर फ्री वाला है, और जो ये मशीन मेड है ये चीनी वाला है। तो इस तरीके से मुझे पहचानने में भी इजी रहेगा। चलिए आप हाथ रखते हैं तो हल्का सा हीट आता है, लेकिन ये बिल्कुल स्लो गैस पे है। जो मैं लास्ट बैच बना रही थी मैंने तभी इस कढ़ाई को रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए। तो इधर नीचे के साइड डालेंगे, ऐसे ही हम सारे गुजिया को इसमें डाल देंगे जितना भी हमने फर्स्ट बैच में बनाया है, जितना ईजिली कढ़ाई में फिट हो जाए। आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी है आप उस हिसाब से, जो आसानी से आपकी कढ़ाई में फिट हो जाए उस तरीके से आप इसमें 5 से 6 गुजिया एक बार में डाल सकते हैं। तो यहाँ बस किनारे किनारे से ऐसे ऑयल इसके टॉप वाले हिस्से पर डालिए ताकि वो भी अच्छे से इक्वली सिक जाए। तो जो क्योंकि ये देखिए अब हमारा गुजिया पूरी तरीके से तैयार है, अब हम इसको ऐसे छान करके टिश्यू पेपर वाली प्लेट में निकाल लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको भी बीच बीच में ऐसे ही ऑयल ऐसे हिला हिला करके ये सारा ऑयल एक दूसरे इन भुजिया के ऊपर भी डालते रहेंगे तो आपका कोई भी भुजिया फटेगा नहीं और चारों तरफ से इक्वली सिकेगा। आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी दिखती है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ये तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा है और कितना खस्ता है, ये बिल्कुल अंदर तक ये अच्छे से पका हुआ है और ये बहुत ज़्यादा खस्ता है। ये देखिए ऊपर से कितना ज़्यादा खस्ता है।